जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो सूर्य ग्रह 14 मई 2024 मंगलवार के दिन 6:04 तक शाम के समय की बात कर रहा हूं, मेष राशि में अपनी उच्चतम अवस्था में विराजमान थे, वो सूर्यदेव कुछ ही सेकंड के अंदर 14 मई 2024 मंगलवार के दिन जैसे ही 6:04 कंप्लीट होंगे, वैसे ही वो मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वृषभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश करना किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उनके जीवन में क्या क्या सुख और दुख प्रदान करेगा, उस सब की जानकारी लेकर मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से स्वामी राज ऋषि के साथ आज यहां पुणे उपस्थित हुआ हूं। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या उनकी जिंदगी का कोई आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ से, भगवान शनि देव की तरफ से और स्वामी राज ऋषि की तरफ से आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भगवान शनि देव और गुरु के रूप में अपना आशीर्वाद भी आपको प्रदान करता हूं। प्रिय भक्तगणों, जिस समय सूर्य ग्रह मेष राशि में विराजमान थे, उस समय आसमान में विभिन्न ग्रहों की स्थितियां क्या थी, सबसे पहले मैं उन सब की जानकारी आपको देना चाहूंगा। उस समय आसमान में तुला लग्न उदय हो रही थी, शनि महाराज अपने घर कुंभ राशि में विराजमान थे, मंगल ग्रह एवं राहु ग्रह अंगारक योग बनाते हुए मीन राशि में विराजमान है, बुध ग्रह एवं शुक्र ग्रह मेष राशि में विराजमान है, सूर्य एवं देव गुरु बृहस्पति का ग्रह बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है, चंद्र देवता अपने स्वयं के घर में कर्क राशि में विराजमान है, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है। मेरा नाम श्रीनिवास, मैं गुजरात बड़ोदरा से हूँ। मेरी घटना घटी थी, पर मैं काफी तरह से टूट चुका था। यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी का फोन नंबर मिला था और उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया था। उसके बाद आज काफी हद तक मैं हेल्थ से और फाइनेंस से बहुत आगे थोड़ा निकला हूँ। मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ। बात करूंगा मैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी लियो जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, आपकी किस्मत तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे सूर्यदेव सिंह राशि का तो आहा चोली दामन का साथ है, और वो सूर्यदेव जब जाकर सिंह राशि वालों की कुंडली में कर्म स्थान पर बैठेंगे, नौकरी या व्यापार वाले स्थान पर जाके बैठेंगे, तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसाएंगे। पहले ही बृहस्पति देवता वहां आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए थे, अब सूर्यदेव का वहां आना आपके आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। जो आपको आशीर्वाद मिलने वाला था, वो आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आपके अपने हैं सूर्यदेव, आपके एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं सिंह राशि वालों। एक फादर वो होता जिन्होंने जन्म दिया, एक फादर इस शरीर के जो मालिक बने एस्ट्रोलॉजिकली, वो सूर्यदेव हैं आपके लिए। तो वो सूर्यदेव जब ऐसी बेहतरीन जगह पर आके बैठेंगे, तो नौकरी और व्यापार में तो उन्नति होगी ही होगी, प्रमोशन इंक्रीजमेंट मिलेगा ही मिलेगा, मनचाहा ट्रांसफर होगा ही होगा। जो पॉलिटिक्स में दखल रखते हैं, एमपी एमएलए काउंसलर की टिकट मिलने की संभावना तलाश से, मिलने मिल जाएगी। जो सरकार में मंत्री पद की जुगाड़ लगा रहे हैं, मिल जाएगा। ये बहुत शुभ समय है आपके लिए। सूर्यदेव का यहां आना आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आया है। साथ ही साथ अपने पिताश्री के श्री चरणों से घर से निकलने से पहले नित्य प्रति आशीर्वाद अवश्य लेना। किंतु वो सिंह राशि वाले जो अपने खराब ग्रहों की वजह से इन शुभ फलों को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं,
शुभ फलों को उनके खराब ग्रह रास्ते में लूट के खा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन तक शुभ फल पहुंच ही नहीं पाते और वो वैसे ही खराब ग्रहों की परेशानियों से परेशान है। जो थोड़ा बहुत अच्छा मिलने वाला था वो ये खराब ग्रह पहुंचने नहीं देते उन तक, ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करते हुए रह जाते हैं। तो मत परेशान होइए आप, स्वामी राज ऋषि है ना आपके लिए। आप अपनी समस्त परेशानियों को बिना किसी झिझक के स्वामी राज ऋषि जी से पर्सनल वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर लीजिए, या पर्सनली उनसे मिलने आइए समय रखकर अपॉइंटमेंट लेकर, तो स्वामी राज ऋषि आपकी जन्म कुंडली का गहन अध्ययन करेंगे। भाई बीटेक एमटेक हैं वो भी आईआईटी से क्लियर करके, कंपटीशन क्लियर करके उन्हें एडमिशन मिला था, और अब तो कब 3-4 साल पहले उनकी एमटेक कंप्लीट हो चुकी है, वो भी थ्रू आउट स्कॉलरशिप से। और एस्ट्रोलॉजी साइंस है, कोई विद्या नहीं है, जादुई विद्या नहीं है कि कोई डंडा घुमा देगा तो आपको वो ठीक कर देगा, झाड़ा लगा देगा तो आपको ठीक हो जाएंगे वो ग्रह, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति से मिलकर जो गणित में महारथी हासिल कर रखी है, ताकि ये जो ग्रहों का गणित है कि कौन सी किसकी चाल है, कब कौन सा किस राशि में प्रवेश करेगा, ये मैथमेटिक्स है, ये हमारी पोथी में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है कि इतनी देर में ये फलाने दिन सूर्यदेव इस राशि में पहुंचेंगे, फलाने दिन सूर्यदेव उस राशि में पहुंच जाएंगे, इतने मिनट बच गए, इतने मिनट और इतने सेकंड पर, तो ये तो गणित है, उनकी गति का कैलकुलेशन है, तो ये साइंस है प्योर। तो इस साइंस को एक पढ़ा लिखा आदमी जितना अच्छा तरीके से समझ सकता है, वो एवं ही लोग नहीं समझ सकते। और आपको तो ज्ञान हो गई, मैं भी गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में प्रोजेक्ट इंजीनियर रहा हूं, कुछ ज्ञान के अंश मेरे अंदर भी हैं। तो अभी बात चल रही थी स्वामी राज ऋषि का स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट बुक कराएं, पर्सनल वीडियो कॉल का कराएं, या स्वयं उनसे मिलने आएं अपॉइंटमेंट लेकर, और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय जानें, ताकि आप अपने जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा प्राप्त करते रहें। इसके साथ साथ भगवान शनिदेव के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ उन लोगों से बात करूंगा जो शादी योग्य हो रखे हैं, या जिनके भाई बहन शादी योग्य हो रखे हैं, या जिनकी संतानें शादी योग्य हो रखी हैं, वो हमारी शनि मंदिर की जो वेबसाइट है वहां पर शादी से संबंधित बायोडेटा ऑनलाइन तैयार करें, विभिन्न प्रकार की अट्रैक्टिव डिजाइनों में वो बायोडेटा तैयार करें, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद साथ में पाए और शीघ्र अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी प्राप्त करने का प्रयास शुरू करें। जय शनिदेव।